तो भाई लोग गुड मॉर्निंग, हम निकल चुके हैं अपने घर से। हमारा प्लानिंग था उठने का 3:30-4 बजे, लेकिन हम सो ही रह गए। मैं पिताजी उठाए ठीक 4:30 बजे हुआ, तो उठ के जल्दी जल्दी ब्रश किए, फ्रेश व्रेश होकर हम निकल गए। और मैं पिताजी मेरे को छोड़ने आए थे, और फाइनली हमें मिल गया बस, क्योंकि अगर लेट होता तो मेरा सुबह वाला ट्रेन मिस हो जाता। हुआ तो टाइमली हम पहुँच गए, और बस में देखो कोई नहीं है, मस्त बैठे हुए हैं। उतना मतलब सुबह सुबह उतना पैसेंजर नहीं आते ना। और ये रहा हमारा ईब नदी। सुबह सुबह देखो, रात को तो बारिश हुआ था, इसीलिए सुबह का नज़ारा देखो कैसा दिख रहा है पूरा। ये ईब नदी है हमारा। उसके बाद से हम क्रॉस करते हुए जाते हैं, फाइनली पहुंच जाते हैं हम झारसुगड़ा स्टेशन में। स्टेशन नहीं, स्टेशन के बाहर। और ये हम हैं अकेले जा रहे हैं, और ये इधर भी बारिश हुआ था, और ये रहा झारसुगड़ा। और यहाँ आने के बाद हम टिकट करा लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गोलात, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेरे एक न्यू सफ़र में, और न्यू सफ़र के साथ नया वीडियो में। तो आज हम फिलहाल जा रहे हैं भुवनेश्वर, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा बीटेक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो फिलहाल हम घर से निकल गए हैं, और टाइमिंग हमारा ट्रेन का टाइमिंग है इंटरसिटी एक्सप्रेस भुवनेश्वर। अच्छा, हमको सिखा रही है जो जाती है, उसका टाइमिंग है 6:40, लेट चल रहा है, 7 बजे के करीबन आएगा, 7 बजे के आसपास आएगा कुछ। तो वेट करते हैं। और यार आज आते समय यहाँ पहले क्या था ना, हमारा झारसुगड़ा से उमाडा या बेलबार कहीं से भी बस करता था, आपको डायरेक्ट स्टेशन के पास उतारता था। स्टेशन नहीं मतलब बस स्टैंड है, वहाँ से फिर आता था इस तरह। तो रूल चेंज हो गया है यहाँ से, मतलब आपका स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूर में यह बस उतारता है, वहाँ से टेम्पो रिजर्व करो, वहाँ से आओ, रिजर्व या पैसेंजर ऐसे मिल जाता है, वैसा कोई इशू नहीं है। बट इतना ना भीड़ हो गया सर कि हम वीडियो बना ही नहीं पाए, मतलब ऐसे हम आधा लटक के बैठे हुए थे वहाँ पे। एनीवे कुछ नहीं, चलते हैं फिर। तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, क्योंकि घर से बिना कुछ खाए निकले हुए। इंतजार हुआ ख़त्म, आ रहा है मेरा ट्रेन। 7:25 हो गया, 6:40 टाइमिंग था, 7:25 हो गया आ रहा ट्रेन। और अपना ट्रेन का वेट करते हैं, देखते हैं कब आ रहा है। अभी भी 7:25 हुआ आया नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुआ, तो चलो देखते हैं। तो आ गया फाइनली हमारा ट्रेन, अब चलते हैं हम ट्रेन में, फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भुवनेश्वर बस स्टैंड, अब यहाँ से हमको बस पकड़ना है। तो फाइनली हम पहुँच गए अपने हॉस्टल। ये देखो इतना बड़ा वाला है, ये हमारा हॉस्टल है, वहीं हम जा रहे हैं। और ये है हमारा दोस्त निखिल। तो भाई लोग फाइनली पहुँच गए हम अपने हॉस्टल भुवनेश्वर में। अपने हॉस्टल में रूम कैसा पड़ा हुआ है दिखाते हैं। हॉस्टल है, कोई नहीं रहता ना यहाँ पे। तो अब फिलहाल कल ही एग्ज़ाम है, तो कल एग्ज़ाम के लिए अभी बंदे अभी आएंगे, बहुत बाकी हैं। फिलहाल अभी ये रूम में मैं और मेरा दोस्त निखिल आए हुए हैं, और बाकी सब यहाँ और क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब लाइन में बने रहिए, देखते रहो, चलते रहेगा, चलते रहेगा। दूसरा पड़ा है, अभी आए हम लोग तो लॉक खोले। उसे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है, अभी फिलहाल बारिश का मौसम इसलिए वैसे दिख रहा है। तो रूम में बैठे बैठे बोरिंग लग रहा था, तो निखिल बोला चलो भैया बाहर से चाय पी के आते हैं। तो हम और निखिल बाहर आ गए चाय पीने। अभी देखो मतलब 5:30-6 बजे के आसपास निकले हैं, देखते हैं क्या होता है। ये लड़का का डिजाइन स्टाइल मारता है लड़का। तो फिलहाल हम कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं, मौसम का मजा लेने के लिए। बोरिंग लग रहा था तो कॉलेज के बाहर आकर बैठने के लिए रोड के साइड में बैठे हुए, आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू। ये रहा हमारे रात का व्यू, जगमगाता हुआ कार देख रहे हो। तो ये स्मार्ट सिटी, अभी हम ये पूरा मेन सिटी में नहीं गए हुए हैं, मंदिर में है पूरा, यहाँ इतना भीड़ है, तो सोचो मेन सिटी में कितना भीड़ होगा। और ये रहा हनुमान जी का मंदिर, मतलब मेरे कॉलेज के सामने बनाया गया है, मेरा सबसे पसंदीदा भगवान हनुमान जी। और ये हमारे कॉलेज के अंदर कुछ काम का प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही कड़ा प्रोसेस चल रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है।
बहुत दिनों के बाद हम ये सब ग्रुप मिले हुए हैं। तो ये देखो लेक्चर झाड़ रहा है, ये देखो इधर ये लोग अपना दुख सुख बात कर रहे हैं। ये लोग का दुख सुख को देख के मेरा दोस्त अभी लेक्चर झाड़ेगा, इसका लेक्चर सुनेंगे अभी। ये देखो तो तुम्हें भी केमती केमती कह भी आऊ तुम्हें भी जदि एमती सांग थे तुम भले एमती बहि विचार सांग मान को सांग रे बसी की शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मने करबो जते भाई सरी एका थियो मने बड़बो तुम सांग मान के केमती तो खाओ मजाक करले सांग कितने थिले केते मजा हुए सेका तो जे सांग होतबो से ही जाने एमती कथा आउ तापर टिके सपड़ बुले दी लागला छी तो ए जो हस खुशी आउ कोनसी जगह रे मिलबो ने बुझलो ने ए दुई जन कथा देखा नै पई तापर बुझलो एबे भी जीवा ना एई तो जीवन इधर आपको खाती पई। तो भाई लोग मैं अपना हॉस्टल का रूम में हूँ, अपना रूम में जो पीछे बार आया था तो क्या किया था, रूम लॉक कर दिया था, तो मेरा रूम बचा हुआ है। और मेरे रूम में जो दोस्त लोग अभी तक नहीं आए हुए हैं तो वो शायद कल परसों उनका एग्ज़ाम डेट अलग है। तो फिलहाल खाना वाना खा के आगे हम रेस्ट करेंगे। और मेरे रूम का फैन भी नहीं चल रहा है तो बगल वाले रूम में जाएंगे, निखिल के रूम में। और जो नया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, कल मेरा एग्ज़ाम है तो ट्राई करेंगे कल का छोटा सा ब्लॉग या पूरा अगर ब्लॉग बन जाए तो बढ़िया, कल का ही ब्लॉग देखना आप। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।